हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कामरान सिद्दीकी एंड आई एम ए 3D फैकल्टी इन वेदा कॉलेज पुणे। आज हम देखेंगे किस तरीके से कॉस्टिक इफ़ेक्ट जनरेट होता है 3ds मैक्स यूजिंग मेंटल रे। ये टॉपिक टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मॉडल एंड उसके ऊपर शेडिंग कर सकते हैं, एंड द सेकंड वन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लाइट लगा के कॉस्टिक को जनरेट किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द सेशन। कॉस्टिक इफेक्ट इन लाइटिंग थ्रू मेंटल रे रेंडर इंजन, ठीक है ना। ये सिर्फ मेंटल रे में ही पॉसिबल है कॉस्टिक इफेक्ट, मतलब 3ds मैक्स के जो PBR रेंडर इंजन होते हैं सारे उनमें पॉसिबल है, जिनके अंदर ग्लोबल इल्यूमिनेशन रे ट्रेसिंग स्ट्रांग होती है। जो आपका नॉर्मल रेंडर इंजन होता है, जो डिफॉल्ट स्कैन लाइन, उसमें आप कॉस्टिक जनरेट नहीं कर सकते कॉस्टिक इफेक्ट। तो कॉस्टिक इफेक्ट अगर आपको रियलिस्टिक और अच्छा डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम मेंटल रे तो यूज करना ही पड़ेगा। फिर इसके ऊपर जितने रेंडर इंजन है लाइक वीरे, आर्नोल्ड, रेडशिफ्ट, इन सब में तो वो होता ही, ठीक है ना। लेकिन कम से कम मेंटल रे तो आपको चाहिए ही कॉस्टिक को समझने के लिए भी और कॉस्टिक पैटर्न जनरेट करने के लिए भी, ठीक है ना। तो कॉस्टिक होता क्या है? कॉस्टिक एक लाइट का इफेक्ट है, ठीक है। इस जो आपके दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। कॉस्टिक हर ऑब्जेक्ट में जनरेट नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। हर ऑब्जेक्ट यानी जैसे आपके घर में अगर कोई भी चीज आपने रख रखी हो, लाइक एक प्लास्टिक की बॉटल है या फिर आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके दोनों चीजों में रिफ्रैक्टिविटी यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर वो कॉस्टिक जनरेट नहीं कर सकता। अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन ही है तो फिर कॉस्टिक जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, मतलब वही ट्रांसपेरेंसी रिफ्रैक्शन है और उसमें साथ साथ रिफ्लेक्शन भी है, तो फिर आपका कॉस्टिक अच्छे से जनरेट हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स पर ये कॉस्टिक क्या होता है, जनरेट होता है। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्ट आप कॉस्टिक जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन वो ऑब्जेक्ट की भी कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट या तो ग्लास या पानी या कोई भी टाइप का रिफ्रैक्टिव, या इवन प्लास्टिक में भी जो रिफ्रैक्टिविटी होती है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती हैं तो वो भी कॉस्टिक जनरेट कर सकती हैं। तो कुल मिला के ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं इन्हीं चीज़ों में कॉस्टिक जनरेट होता है। और जनरेट करने में हेल्प कौन करता है? लाइट। विदाउट लाइट और विदाउट रिफ्रैक्शन ये कॉस्टिक पैटर्न जनरेट नहीं हो सकता। तो इस टाइप से दिखते हैं कॉस्टिक पैटर्न, मतलब एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी ग्लास को देखोगे और अगर आप इस ग्लास को, जैसे आपके घर में भी एक कांच का अगर ग्लास है तो उसको एक विंडो के पास रखो, खिड़की के पास जहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो आप देखोगे कि जिस जगह पे वो रखा है उस सरफेस पे इस टाइप के पैटर्न बनते हैं। ये थ्रू लाइट, एक रिफ्रैक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट जो है इसमें ट्रेवल करती है और लाइट बेंडिंग के थ्रू, IOR के थ्रू वो उसमें से निकल भी जाती है, लेकिन ये जो शेडोज और उसके साथ एक जो पैटर्न जो है वो साथ में सरफेस पे छोड़ के जाती है, ठीक है। तो ये हर जगह दिखेगा आपको। देखो यहाँ ये भी एक ग्लास के में कॉस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर भी अगर देखोगे तो देखो एक कॉस्टिक पैटर्न दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, पानी में। ये थ्रू लाइट और विद रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे ऐसा ही कुछ हम अभी बना के देखेंगे भी तो और आपको समझ में आएगा। तो पानी में तो सबसे ज्यादा होता ही है। और कॉस्टिक की एक अच्छी बात और बता दूं कि सबसे अच्छा कॉस्टिक इन 3ds मैक्स मेंटल रे दे पाता है, ठीक ना। तो किस तरीके से हम इसको 3ds मैक्स में इस कॉस्टिक पैटर्न को ला सकते हैं? पहले तो आपको मॉडल बनाना है प्रॉपर इस तरीके से। तो हम पानी वाला ही कॉस्टिक बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टिक आपको वाटर में और इसमें ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मॉडल करता हूँ पहले। तो हम क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेता हूँ मैं। ये बॉक्स एज अ सरफेस काम करेगा। तो एक हल्का सा मैंने बॉक्स बना लिया, थोड़ी सी थिकनेस दी उसमें स्केल करके, ठीक है। अब इसमें पहले मैं
इस बॉक्स को थोड़ा सा और एरिया बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लंबा किया इसको। अब मुझे थोड़ा सा, ये तो हुआ नीचे का सरफेस टाइप का, इसके ऊपर मैं प्लेन बनाता हूँ। इस प्लेन को थोड़ा ऐसे ऊपर रखता हूँ, रियलिस्टिक से शेडेड मोड में आ जाओ ताकि शेडो दिखना बंद हो जाए। ठीक है, मॉडिफाई में यहाँ मैं सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ प्लेन के 45 बाय 45। अब मुझे इस प्लेन को थोड़ा सा नॉइजी और थोड़ा सा वेवी बनाना है, लाइक पानी की तरह, जिस तरह पानी में ऊपर जो उसकी लेयर होती है उस तरीके से नदी की। तो उसके लिए मुझे नॉइस मॉडिफायर डालना पड़ेगा। तो मैं प्लेन को सेलेक्ट किया, मॉडिफायर में गया, मॉडिफायर लिस्ट को खोल के मैंने इसमें से नॉइस एंटर किया मॉडिफायर लिस्ट में से। अब मॉडिफायर लिस्ट में सबसे पहले बगैर कोई वैल्यू चेंज किए सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ वैल्यू पे काम करना पड़ता है। यहाँ तीन तरीके की स्ट्रेंथ होती है, एक्स वाई जी। तो सबसे पहले आपको जी में काम करना है। तो मैंने जी की वैल्यू बढ़ाई, तो जी यानी वेव ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ऊपर के सरफेस पे, क्योंकि जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो वेव्स आएंगी लेकिन साइड में, इस एरिया में ऊपर की तरफ में, क्योंकि एक्स जो आपको शो करता है, एक्स एक्सिस, वो आपके कॉर्नर्स को शो करता है, जेड आपके टॉप को शो करता है, मतलब ऊपर के फेसेस पे काम करेगा, एक्स आपके साइड के फेसेस पे, एजेस पे काम करेगा, और वाई आपके फ्रंट के एजेस और फेसेस पे काम करेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक शो करता है। तो मैंने इस वजह से वाई की वैल्यू भी बढ़ा ली, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा जेड को लो, क्योंकि हमें वेव जो चाहिए वो ऊपर से नीचे की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ चाहिए। तो मैंने लिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें मुझे और ज्यादा पैटर्न्स चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी भी फ्लैट ही है, टोटली वेव नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से फ्रैक्टल चालू कर दूंगा। तो फ्रैक्टल चालू करते ही देखो उसमें नॉइस पैटर्न जो है वो एक्चुअल में जनरेट हुआ, पैदा हुआ, ठीक है ना। अब इस नॉइस पैटर्न में आप रफनेस वैल्यू बढ़ाओगे तो ये नॉइस और ज्यादा रफ होता जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी जैसा ही स्मूथ रखता हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़े से बस ऊपर वेव्स। और इसमें भी ये जो एजेस थोड़ी थोड़ी सी और हार्ड हो रही हैं, तो उसके लिए मैं इटिरेशंस वैल्यू कम करूंगा, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो ये किसी चट्टान या किसी पत्थर या किसी पेपर की तरह हार्ड एजेस देगा टॉप में, लेकिन मुझे इसको स्मूथ रखना है तो मैं इसको इटिरेशंस वैल्यू कम। तो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ एजेस आपको मिलेंगी, एकदम ब्लेंड होती हुई सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो रफनेस, इटिरेशन और एक्स वाई जी की स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा अगर सब यूज करोगे तो आप इस तरीके से एक वेव जनरेट कर पाओगे। अब इस वेव्स के जो पैटर्न्स हैं उनको मुझे स्केल करना है, जिस तरह आप चेकर्स को टाइल करते हो तो चेकर्स छोटे होके रिपीट होके अच्छे से दिखने लगते हैं, सेम वही काम ये स्केल करता है। अगर आप स्केल वैल्यू बढ़ाओगे तो ये नॉइस पैटर्न रिपीट होके छोटे छोटे दिखने लगेंगे यहाँ पे, देखो। और अगर आप स्केल वैल्यू बढ़ाओगे तो फिर वो बड़े बड़े हो जाएंगे, लाइक चेकर्स की तरह, ठीक है। तो मैं बस इसको थोड़ा ऐसा रखता हूँ कि मुझे नॉइस पैटर्न थोड़े ज्यादा मिले, तो मैं स्केल वैल्यू कम रखूंगा। तो मैंने एक तरीके से ये टाइलिंग जैसा ही ऑप्शन है, स्केलिंग, इसको मैंने कम किया, तो आपके जितना भी नॉइस का पैटर्न था वो स्केल होके रिपीट होके छोटा छोटा हो गया। तो मैं इसको 35 रख देता हूँ राउंड राउंड फिगर में। तो ये आपका नॉइस पैटर्न आ गया। इसके ऊपर थोड़ा सा आप स्मूथ भी डाल दो, मैश स्मूथ लोगे तो ये सरफेस को और स्मूथ कर देगा। तो मैंने मैश स्मूथ अप्लाई किया तो देखो सरफेस और ज्यादा स्मूथ हो गया। देखो मैश स्मूथ हटाओ तो थोड़ा रफ है, डालो तो और स्मूथ है, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हो, तो मैश स्मूथ भी डाल सकते हो। एक और मिलता है ऐसा इसी लिस्ट में, टर्बो, दोनों ही अच्छे हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैं नॉइज में आके थोड़ा सा वाई और जेड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी रखता हूँ, सॉरी एक्स और वाई की, जेड तो चाहिए तो वाई टू और एक्स यानी ये साइड का ये भी टू। ठीक, तो इस तरीके से देखो मैंने नॉइस के थ्रू प्लेन पे वेव जनरेट कर ली, ताकि क्योंकि मैं इसको पानी बनाऊंगा। नीचे अभी एक सरफेस रखा है, क्योंकि कॉस्टिक देखने के लिए मुझे कोई दूसरा सरफेस चाहिए होता है। अब असली काम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कॉस्टिक जनरेट करने से पहले, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है,
कॉस्टिक इज अ इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इफेक्ट है तो लाइट के थ्रू बनता है, तो बनता किन ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर वे में रिफ्रैक्टिव या रिफ्लेक्टिव हो। तो सबसे पहले मुझे कॉस्टिक जनरेट करने के लिए करना क्या होगा, इन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, शेडिंग मेंटल रे की होगी। ध्यान रखना कि शेडिंग होगी लेकिन मेंटल रे के मटेरियल सप्लाई होंगे इसके ऊपर, यहाँ पे अगर आप एक मेंटल रे का मटेरियल यूज करते हो जिसका नाम है, ठीक है ना, तो आपको ये वाला मटेरियल यूज करना है, आर्क एंड डिजाइन। आपको वो मटेरियल लिस्ट कैसे मिलेगी पहले वो देखो। तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको मटेरियल लिस्ट ओपन होगी, लेकिन इसमें ये सारे मटेरियल देखो स्टैंडर्ड यानी जो स्कैनलाइन की लिस्ट के हैं उसी में ही है, स्टैंडर्ड मटेरियल की लिस्ट में ही है। इसमें मेंटल रे का अलग से कोई लिस्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं और कहीं भी कुछ ओपन करता हूँ तो यहाँ कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा जो कि मेंटल रे से रिलेटेड हो। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि रेंडर इंजन ही चालू नहीं है। तो पहले ध्यान रखना कि अगर कभी आपको इस तरीके से लिस्ट नहीं मिले रेंडर की, सॉरी मटेरियल की, मेंटल रे की, तो समझ जाना कि लिस्ट इस वजह से नहीं दिख रही है क्योंकि रेंडर इंजन बंद है। तो सबसे पहले आप रेंडर सेटिंग में जाओ, F10 प्रेस करो और रेंडरर में जाके डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर को चेंज कर दो टू मेंटल रे। तो जैसे ही मैंने हिट किया रेंडरर में एनवीडिया मेंटल रे पे, ठीक है ना, ये आपका रेंडरर आ गया। अब आप दोबारा स्टैंडर्ड पे ही क्लिक करोगे तो अब देखो लिस्ट बढ़ गई, समझ में आई बात। यहाँ पे एक नया टैब आ गया, पहले स्टैंडर्ड टैब था सिर्फ, अब एक नया टैब आ गया, ये मेंटल रे। तो बस ये मेंटल रे से आर्क एंड डिजाइन आप ले लो, डबल क्लिक करो तो देखो ये मटेरियल यहाँ आ गया। अब जो पहला स्टैंडर्ड मटेरियल था वो अब कन्वर्ट हो चुका है आर्क एंड डिजाइन में, बाकी जो मटेरियल्स हैं आपके वो सारे अभी भी स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो अभी मैं पहले वाले पे ही हूँ, पहले वाले मटेरियल को तो मैं चढ़ा देता हूँ एज अ सरफेस पे, नाम दिया मैंने SURFAC सरफेस, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया नीचे के बॉक्स पे, तो इस पे आर्क एंड डिजाइन चढ़ गया, ठीक है। और इसमें एक ये वैल्यू होती है, जिस तरह सब में ही हर मटेरियल में एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होते हैं, ये डिफ्यूज लेवल यानी कलर की वैल्यूज को मैनेज करने के लिए, तो इसी तरह रिफ्लेक्टिविटी की भी वैल्यू है। तो मटेरियल पर डबल क्लिक करोगे अगर आप, तो देखो उसमें ये स्पेकुलर और रिफ्लेक्शंस आ रहा है। तो अगर आप ये रिफ्लेक्टिविटी जीरो कर दोगे तो देखो मटेरियल में से रिफ्लेक्टिविटी चली जाएगी, तो ये एकदम सादा मटेरियल बन जाएगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं, मतलब आप इसे चेंज कर करके देख सकते हो, मिलते जुलते ही है। तो मैं हल्की सी वैल्यू रखता हूँ रिफ्लेक्टिविटी की, 0.1 काफी है। और ये मटेरियल हमने किसके ऊपर अप्लाई किया, सरफेस पे, ठीक है ना। और रेंडर किया दोबारा, तो देखो नीचे के सरफेस पे तो ये मटेरियल अप्लाई हो गया, ये आ गया। कलर अभी ग्रे ही रख रहा हूँ मैं, चेंज करना भी होगा तो बाद में देख लेंगे। अब दूसरा मटेरियल, ये मुझे चाहिए प्रॉपर रिफ्रैक्टेड, एकदम पानी की तरह, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, IOR भी होना चाहिए। तो मैं दूसरा स्टैंडर्ड मटेरियल लेता हूँ, लेकिन उसको कन्वर्ट करता हूँ वापस मेंटल रे के मटेरियल में। तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, गो टू दी आर्क एंड डिजाइन, आ गए, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है क्या, वाटर, ठीक है। तो जिस तरह पानी जैसा या ग्लास जैसा फील देने के लिए हम प्रीसेट भी यूज करते थे, तो वैसे प्रीसेट्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। सेलेक्ट अ टेम्पलेट, यहाँ इसी मटेरियल में आर्क एंड डिजाइन जब आप लेते हो तो ये लिस्ट है उसकी जिसमें बने बनाए प्रीसेट दे रखे हैं। तो यहाँ से आप ये वाला ले लो, ग्लास सॉलिड। तो जैसे मैंने ग्लास ग्लास सॉलिड ज्योमेट्री पे क्लिक किया, ये मटेरियल देखो कन्वर्ट हो गया ग्लास में। देखो इसका यहाँ बैकग्राउंड भी चालू करोगे तो दिखेगा आपको प्रॉपर ग्लास, ठीक है। और अगर इसको स्टील बनाना था तो स्टील भी ले सकते थे, अगर इसमें यहाँ पे आपको क्रोम भी मिलेगा या मेटल्स में जाओगे तो क्रोम है। तो ये देखो स्टील जैसा ऑब्जेक्ट बन गया, प्रॉपर रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ चेकरबोर्ड चालू करोगे तो ये टोटली रिफ्लेक्टिव है। और वहीं अगर आप इसको क्रोम की बजाय ग्लास ले लोगे, ग्लास सॉलिड, तो ये प्रॉपर रिफ्रैक्टिव है, ठीक है। तो बने बनाए मटेरियल से हम यूज कर रहे हैं प्रीसेट्स,
जो कि बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं इन मेंटल रे में। तो इसी मटेरियल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ किसके ऊपर, हमारे इस ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। और एक रेंडर भी करता हूँ, रेंडर मेंटल रे में ही होगा, ध्यान रखना। तो रेंडर करता हूँ तो देखो ये ग्लास जैसा रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके कुछ रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ नीचे देखो बॉक्स पे भी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव है तो नीचे रिफ्लेक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी इन्वायरमेंट हमारा पूरा ब्लैक है, इसलिए कुछ चीजें यहाँ पे इस ग्लास सॉरी इस वेव वाले ऑब्जेक्ट में ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है उसका रीजन मतलब बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट खाली है इसलिए ये यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन इन्वायरमेंट का ब्लैक आ रहा है। तो हम लास्ट में सीन को पैक कर देंगे, या हो सकता है कोई SDRI भी डाल सकते हो, जैसा भी सही लगेगा। अभी के लिए हमारा काम जो हमें चाहिए था कि हमको मटेरियल डालना था वो हमने डाल दिया है, और एक नीचे वाला सिर्फ रिफ्लेक्टिव रखा हल्का सा, और ऊपर वाला क्या है प्रॉपर ग्लास रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट जिसमें रिफ्लेक्टिविटी तो है ही लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर रिफ्रैक्टिविटी भी है। तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी चाहूँ तो मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, लगभग 0.8, ठीक ठीक है। और इसमें ये होता है IOR, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंपल मतलब कि लाइट कितना बैंड हो इस रिफ्रैक्टेड इस ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक ग्लास की लाइट बैंडिंग वैल्यू जो होती है वो 1.3 से शुरू होके 1.6 पे खत्म होती है। इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिविटी वैल्यूज गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि ग्लास की रिफ्रैक्टिविटी वैल्यू या IOR वैल्यू कितना है। तो जैसे मैंने कहा कि एक ग्लास की कितनी होती है, 1.3 से शुरू होके 1.6 तक खत्म होती है। तो हम कुछ 1.35 ऐसे कुछ IOR वैल्यू ले लेते हैं, और 1.5 जो डिफॉल्ट था वो भी सही था, ठीक है। तो 1.3 और 1.6 के बीच की कोई भी वैल्यू आप लो, 1.5 1.4 सब चलेगा। तो मैं अभी अंदाजन 1.35 मैंने डाल दिया, और इस मटेरियल को मैंने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ही रखा है। सो गाइस, जिस तरीके से आपने देखा कि हमने एक छोटा सा सीन मॉडल किया है और मेंटल रे के मटेरियल्स के थ्रू हमने इसको फाइनल कलर और शेडिंग भी किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइट लगाकर हम एक प्रॉपर कॉस्टिक इफेक्ट जनरेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।